आता हूँ, जरा इन तमाम मसलों को जरा और विस्तार से जरा समझाने की कोशिश कीजिए जयशंकर जी। हाथरस से लेकर राहुल गांधी अब आप देखिए पहुंच रहे हैं उधर सीधा असम पहुंच रहे हैं, बाढ़ ग्रसित जो एरिया है उधर, और उसके बाद मणिपुर पहुंच रहे हैं। उनका पूरा प्लान आया हुआ है और उसके बाद एक एक चीज जो साफ साफ दिखाई दे रही है कि चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे हाथरस के जो पीड़ित हैं उनका मामला हो, चाहे आप अगर गुजरात देखिए तो गुजरात में मोरबी और वहाँ जो भी पीड़ित हैं उनका मामला हो, चाहे बाढ़ से पीड़ित जो परिवार है असम में उसका मामला हो या मणिपुर का मामला हो, हर तरफ न्याय की मांग उठाते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। और क्या राहुल गांधी ने या इंडिया गठबंधन ने जो शुरुआती दौर में इस न्याय को एक मूल मंत्र बनाकर चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव में, इसी चुनाव को और इसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्या ये एक ऐसा मूल मंत्र मिल गया है जो इस समाज पर असरकारी है और जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में और कष्टदायी हो सकता है और परेशानी पैदा कर सकता है, किस हिसाब से देखा जाए? जयशंकर जी। राजीव जी, देश इसी तरह के विपक्ष की उम्मीद करता है। जिस ढंग से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं, चुनाव से पहले भी हुए थे लेकिन चुनाव के बाद भी जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे लोको पायलटों से मिलना हो या हाथरस के जो पीड़ित परिवार हैं उनके आंसू पोंछने के लिए पहुंच गए वो, और उन्होंने अपनी वहां बातें रखी। गुजरात में मोरबी भी साथ गए थे वो, वहां भी लोगों से पता किया कि जो मारे गए थे, मरे थे वो, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब वो असम के बराक वैली में सिलचर के इलाके में भी जा रहे हैं देखने के लिए, वहाँ बाढ़ विनाशकारी बाढ़ की लीला हो रही है, तो वहाँ के पीड़ितों का हाल जानने सुनने समझने के लिए वो वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर मणिपुर, मणिपुर तो पहले भी जाते रहे हैं, और मणिपुर जाने का ही पॉलिटिकल डिविडेंड है कि मणिपुर से दोनों सीटें लोकसभा की कांग्रेस की झोली में आ गई, तो ये बड़ी उपलब्धि है। मणिपुर के बगल में नागालैंड से भी उनको एक सीट मिल गई। तो इस तरह की जो ये बन रही है, तो जन नेता जनता के बीच ही रहे तो ज्यादा बेहतर होता है ऐसा माना जाता है लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, और वो काम बखूबी राहुल गांधी कर रहे हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि इंडिया अलायंस के और नेता भी हैं, अखिलेश यादव भी लगातार सक्रिय है, वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। उधर मुंबई में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग भी अपने अपने हिसाब से, वहां चूंकि चुनाव सर पे ही है तो चुनावी तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन कोई इशू ऐसा छोड़ नहीं रहे हैं जिस पर उनको रिएक्ट करने का मौका मिले और वो भी सरकार को घेरने में लगे रहे। तो देखिए, बहुत दिनों से हम लोग इस बात की चर्चा करते थे कि विपक्ष बहुत ही आक्रामक होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और जनता के बीच में दिखना चाहिए। ये बातें आज दिख रही हैं। अब जो हाल में ये हुआ है, मतलब आपने कहा था कि भाजपा किस तरह से बेबस और लाचार दिखाई दे रही है, देखिए भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है बड़े पैमाने पे। सबसे बड़ी परेशानी का कारण उनका ये भी है। अब जिस तरह से चार चार पांच पांच हवाई अड्डों की छत टूट गई छोटे से बरसात में, पहली बरसात को ही झेल नहीं पाए जो अभी दो दो तीन तीन महीने पहले बने थे हवाई अड्डे। बिहार में अयोध्या, अरे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वहां पे जो 65 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से राम पथ बना था, मतलब यह ऐतिहासिक है। इतना रेट तो आज तक कहीं शायद सड़क बनाने में नहीं लगा होगा, लेकिन 65 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मेरे ख्याल से 13 या कितने किलोमीटर का रामपथ बना, और एक बरसात में वो जगह जगह धस गया, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जो राम मंदिर है जो उसका निर्माण किया गया, तो रामलला की जहां मूर्ति विराजमान है, जहां उसकी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो छत टपकने लग गई, जैसे लग रहा कि इंद्र महाराज जो है वो भगवान राम को नहला रहे हैं। अब इसका वीडियो वायरल हो गया, नतीजा क्या हुआ कि जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और उनके लोगों द्वारा संचालित है,
उन लोगों ने वहां के पुजारियों से एंड्रॉयड फोन ले लिए और उनको मामूली फोन दे दिया, कहा कि साहब आप इससे काम चलाइए, फोन कर सकते हैं, फोन सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो व्यू बनाने का काम आपका नहीं। तो ये हालत हो गई है, तो कहां तक ढकेंगे? बिहार में जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे, कुल आज भी गिरा, मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर में दर्जन भर या आधा दर्जन से तो अधिक ही पुल धराशायी हो गए हैं, गिर गए हैं। और ये उनकी गुणवत्ता, मतलब ये लगातार हो रहा है, इसके पहले भी कितने पुल गिरे हैं, बड़े बड़े पुल गिरे हैं, निर्माणाधीन पुल गिरे हैं, लेकिन आज तक किसी भी मंत्री के त्यागपत्र की खबर नहीं सुनी। किसी भी मंत्री, जो पथ निर्माण मंत्री होगा बिहार का या उसका जो सचिव होगा, उसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक तो नहीं लिया गया, ना किसी ने जिम्मेदारी ली है। वही छोटे मोटे इंजीनियर और ठेकेदार उनके ऊपर अपना टाल दिया, आखिर में उसका पैसा तो सब जगह गया, ऊपर से नीचे तक सब गया, ठेका से लेकर टेंडर से लेकर के काम तक। कौन देखरेख कर रहा था, किसकी देखरेख में बन रहा था, कौन मंत्री है? तो लेकिन इस पर सब पे चुप है। अब मोदी जी तो कहते थे ना कि हम तो, हमारे पास तो ड्रोन है, हम ड्रोन जी। 13 पुल गिर चुके हैं बिहार में 18 हाँ, जून से अब तक, आज है 7 हाँ, जुलाई, 13 पुल गिर चुके हैं बिहार में, 13 बताइए। वही मैं कह रहा था, एक दर्जन, मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है, इसलिए एक दर्जन से अधिक पुल गिर गए, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले जब होता था एक पुल कोई गिरता था तो हंगामा बच जाता था, राजनीति में तहलका मच जाता था, लेकिन आज जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें भाजपा भी है और जनता दल यू भी है, एक भी जिम्मेदारी की बात अभी तक तो किसी पुल के टूटने के बारे में, धराशायी होने के बारे में लेते हुए नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है कि ये सारे सवाल जो है, ये जो लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है 22 जुलाई से, बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें विपक्ष उसी आक्रामकता के साथ इन सारे मुद्दों को, सवालों को उठाएगा, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे हवाई अड्डों का एक ही बरसात को झेल नहीं पाने की बात हो, या बिहार के जो एक दर्जन से ज्यादा पुल धराशायी हुए वो उनकी बात हो, अयोध्या में राम पथ की बात हो, राम मंदिर की छत टपकने की बात हो, ये सारे इश्यूज जो हैं, और इसके अलावा भी जनता के बहुत सारे इश्यूज। अब आप देख लीजिए कि महंगाई फिर से एक बार चरम होने छूने लगी, टमाटर लाल लाल हो गया है, मतलब 80 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर आज मिल रहा है खाने के लिए। अभी बता रहे हैं लोग कि अभी इस बजट सत्र के आसपास ही या उसके बाद पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम भी बढ़ने वाले हैं, जो उसको बहुत दिनों से चुनाव के चक्कर में रोक के रखा था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा या एक दो और विधानसभाओं के चुनाव हैं, तो उनके मद्देनजर हो सकता है कुछ दिन और टाल के रखें, लेकिन कितना टाल के रखेंगे? पेट्रोल कंपनियां दबाव बनाए हुए हैं, लगातार दबाव बनाए हुए हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। सबसे अच्छी बात यही है जो मैंने शुरू में ही कहा है कि जो एक सक्रिय और आक्रामक विपक्ष, जो जनता के बीच, अपने जनाधार के बीच सक्रिय दिखे, उसकी जो आवश्यकता हम लोग महसूस कर रहे थे पिछले कई वर्षों से, उस आवश्यकता को पूरा करने का काम राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस के नेता कर रहे हैं, और एक बहुत सुखद बात है, लेकिन इसको बरकरार रखने की जरूरत है। ये टेम्पो जो है इनका बरकरार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से बौखलाहट भाजपा की बढ़ रही है, अभी उनके इस तरह के और बहुत सारे बयान आएंगे जो इसमें लगेगा कि उनका उजागर हो रहा है बड़बोलापन या जो भी है, बौखलाहट उनकी उजागर हो रही है। अभी मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे पुराना कोई वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, आईटी सेल के लोग, बीजेपी के आईटी सेल के लोग, वो जो वहां राजस्थान में कन्हैया लाल जो दर्जी था उसका जो मर्डर हुआ था, तो उसके बारे में राहुल गांधी का फर्जी वीडियो चला करके, जो वीडियो उन्होंने वायनाड, केरल में वायनाड में जो कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर पे जो हमला हुआ था, उसके बारे में जो उनका कमेंट था उसको लगा करके उन्होंने ये जारी कर दिया है। अभी मैं देख रहा था किसी अखबार में, भास्कर में या कितने, उसका फैक्ट चेक करके दिखाया है, बताया है। तो इस तरह की चीजें ये लोग करेंगे लगातार, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को भी या इंडिया अलायंस के भी लोगों को इस तरह के मामले आते ही आईटी सेल पे या उसके लिए जो भी जिम्मेदार दिखाई देता है उसको मुकदमा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक इनका जो आईटी सेल है फर्जीवाड़ा करते रहेगा। राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी से चूंकि डरे हुए हैं, इसलिए इनकी पूरी कोशिश लगी हुई है कि राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे दिखाया जाए कि वो पप्पू है और कैसे बाल बुद्धि और कैसे बच्चा है और कुछ समझता नहीं है, उसके हाथ में बहुत बड़ी चीज मिल गई, नेता विपक्ष की चीज मिल गई है।
जबकि वो 3-4 बार से सांसद वो आदमी है और भारत पांच बार भ्रमण का करके है, पूरा देश पांच 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 बार बार के का सांसद सांसद है। हैं, और हाँ, 4, 9, 14, 19 नौ और ये चौदह चौबीस उन्नीस और ये चौबीस हाँ 24 हाँ, सांसदी में तो नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं सीनियर है तो, और और चाहते पूरे तो देश कब में के उस आदमी प्रधानमंत्री बन ने जाते तो उसमें भी बन सीनियर भी हो जाते, जाते, मंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री उसमें भी और हो बालक जाते, बुद्धि कह लेकिन रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। हाँ, उनको अब ये बालक बुद्धि कह रहे हैं। और जब अगर देखिए, इस पर तो कभी हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं कि जो हमारे विश्वगुरु हैं वो कितने बच्चों से भी बदतर, बच्चे भी जिस बात को जानते होंगे, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे भी जानते होंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में नहीं पाकिस्तान में है, लेकिन हमारे तो वो विश्वगुरु कहते हैं, बताते हैं, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के नहीं थे, मौर्य वंश के थे, ये बच्चा बच्चा जानता है, बिहार का भी जानता है, हिंदुस्तान का भी जानता है, लेकिन हमारे विश्वगुरु कहते हैं कि नहीं, साहु तो गुप्त वंश के थे। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जिससे साबित होती हैं कि वो बाल बुद्धि नहीं बल्कि क्या कहा जाए उसके आगे, तो उस तरह की बुद्धि लेकर के हैं वो। लेकिन अब चला रहे हैं, शासन है, चूंकि जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता ने आपको शासन दिया है, तो अब लेकिन उनकी बौखलाहट बढ़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी की सक्रियता जिस ढंग से बढ़ रही है, जिस ढंग से वो आदमी गरीब पीड़ित मजलूमों के आंसू पोंछने के लिए पहुंच जा रहा है, पायलट जवान, ये जो लोको पायलट हैं, हम लोग भी उनके बारे में सुनते समझते थे, लेकिन ये बातें आज तक हमको भी नहीं मालूम थी। मतलब 8-8 घंटे, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको टॉयलेट भी करने की सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर समय उनको अलर्ट मोड में रहना होता है, पैर पे पैर भी नहीं रख सकते हैं। तो ये बात जो सामने आ रही है, और रेल मंत्री कह दिए कि नहीं साहब, उसमें वो पायलट लोको पायलट नहीं थे, भाई कौन थे आप ये बता दीजिए कौन थे वो। तो इस तरह की बातें होंगी, मतलब इनकी तरफ से इस तरह की बातें आएंगी, बौखलाहट में बातें आएंगी। बस इसको यह है कि लोग जो बजट सत्र है, हालांकि उसमें बजट पे काम होगा, लेकिन विपक्ष को मौका मिलेगा और वो उसको घेरना होगा इन सारे इश्यूज पे बहुत ही आक्रामकता के साथ, जिस तरह से अभी जो सेशन बीता है, विशेष सत्र बीता है, उसमें जो आक्रामकता देखने को मिली विपक्ष की, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, और पूरी बात सामने आई, तो वही तेवर, वही आक्रामकता बजट सत्र में देखने को मिले, ये हम सबकी उम्मीद है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल वही तेवर। और आप जानते हैं कि बजट सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और 12 अगस्त तक ये सत्र चलना है। क्या स्थिति है? तो जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, इन परिस्थितियों में देश की सियासत को आने वाले 3-4 महीनों में, मैं कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, कभी करता भी नहीं, और ना ही किसी भविष्यवक्ता को अपने चैनल पर बैठाता हूं। आप जानते हैं हम सब लोग यहां पर सीधा सीधा विश्लेषण करते हैं। उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे कि आने वाले समय में जयशंकर जी, देश की तस्वीर कैसी होते हुए, सियासी तस्वीर को कैसे आप देखते हैं, जबकि 4 राज्यों के चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ अभी आप खुद जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा कवर करेंगे 22 तारीख से, उसके बाद की तस्वीर क्या दिखती है जयशंकर जी? इसके बारे में राजीव जी मैंने पहले ही कहा था, एक तो लालू प्रसाद यादव ने किस आधार पे कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, इसका उत्तर बेहतर वो बता पाएंगे, कोई ना कोई उनके दिमाग में कोई बात ऐसी होगी, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाल फिलहाल अभी जो राज्य 4 विधानसभाओं के जो चुनाव होने वाले हैं, बहुत कुछ उस पर भी मुनसर करेगा। अगर उनके नतीजे जैसे कि लोकसभा के चुनाव में दिखाई दिए हैं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, या तो उनमें क्या नतीजे निकल करके आते हैं, अगर इंडिया अलायंस संसद की तरह सड़क पर भी एकजुट रहा और चुनाव मिलजुल करके लड़ा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ा, जिस तरह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मिलकर लड़ा के लड़ा, जी, महाराष्ट्र में मिलकर लड़ा, हरियाणा में भी एक तरह से कह सकते हैं, उसी तरह से अगर विधानसभा के चुनाव मिलकर के लड़ते हैं एक समर्पण की भावना से कि नहीं, हमको किसी पार्टी को नहीं देखना है, हमको इंडिया अलायंस को देखना है, इंडिया अलायंस की सरकार बननी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नेता होगा, ये बाद में तय हो सकता है, लेकिन पहली ये बात होनी चाहिए कौन सरकार बनाएगा, इंडिया अलायंस की सरकार बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा, अगर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं हुए, जैसा कि आमतौर पे इस तरह के नतीजों के बाद हो जाता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जुट जाते हैं,
बड़बोलेपन के शिकार हो जाते हैं और दूसरा पक्ष जो है अंदर अंदर अपनी तैयारियों में जुट जाता है। तो भाजपा को उतनी इसमें नहीं लेना चाहिए, वो अपने काम में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग भी, जैसे एनसीपी है, शिवसेना है या कांग्रेस के लोग हैं, महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के लोग मिलकर के झारखंड में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उसके नतीजे आएंगे। अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे इंडिया अलायंस के पक्ष में निकल करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में दरारें बढ़ेंगी और लोगों को भरोसा हो जाएगा कि अब ये आदमी चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं रह गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये तो जग जाहिर है, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ा गया उसमें और उसके चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी न सिर्फ इंडिया अलायंस बल्कि देश के एक नेता के रूप में उभर करके आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको हमको ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत भी नहीं है। इंडिया अलायंस में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी बहुत लंबा समय है, कब लोकसभा के चुनाव होंगे, कब नेता पद का ये फैसला होगा। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता के जरिए, चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर सड़क पर भी हो, अपने को एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में पेश किया है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात हो ही नहीं सकती है। और लेकिन एक चीज जरूर है कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया जिसको जी, उसका एक मैकेनिज्म साफ तौर पे उभर करके आना चाहिए। परामर्श और संवाद लगातार होते रहना चाहिए विभिन्न विषयों पे, जब भी कोई रणनीति बनती है, संसद के भीतर बने या संसद के बाहर बने, उस पे आपस की चर्चा हो जाए, चर्चा के बाद कुछ उसका एक ज्वाइंट रणनीति, संयुक्त रणनीति निकल करके आए। क्योंकि संसद में जिस ढंग से हमने एकजुट विपक्ष देखा, उसी ढंग हम शुरू से ही कहते रहे, चुनाव के, लोकसभा के चुनाव के समय भी कहते रहे, हम बार बार इस पे एम्फसाइज करते रहे कि इंडिया अलायंस को एकजुट एक मंच पे दिखना चाहिए। मेरी राय रही लगातार कि भाई अगर जयपुर में, अगर भोपाल में, अगर मुंबई में, अगर कलकत्ता में, अगर पटना में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, तमाम राजधानियों में अगर इंडिया अलायंस के जो मुख्यमंत्री हैं, इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व है, अगर एक मंच से अपनी बात करता है तो उसको आप खारिज नहीं कर सकते, उसको न तो हमारा मीडिया खारिज कर सकता है और जनता में उसका एक अलग ढंग का संदेश जाएगा। बिल्कुल, अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप मिल करके काम करें, अकेला चलो और बाकी लोग फॉलो करें तो वो बहुत कारगर होता नहीं है। इसलिए मिलजुल करके आपस में समन्वय और संवाद के जरिए आपको एक तो बनाना पड़ेगा उसको। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी समीक्षा हो रही है और उसका ठीकरा जो है वो कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ जी पर फेंका जाए, दीपक जी साहब कह रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लोग भी लगे हुए हैं भाई, उनका ये कहना है कि गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज, देवरिया, अगल बगल की सीटें तो योगी ने जिता लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अगल बगल की सारी सीटें हार गए जी, तो जिम्मेदार कौन है? चंदौली हारे आप, गाजीपुर हारे आप, जौनपुर हारे आप, आजमगढ़ हारे आप, मछलीशहर हारे आप, इलाहाबाद हारे आप, श्रावस्ती हारे आप, प्रतापगढ़ हारे आप, अमेठी हारे आप, सुल्तानपुर हारे आप, आपकी स्मृति ईरानी हार गई, अयोध्या हार गए, रायबरेली हार गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये आदित्यनाथ के कामकाज पे तो चुनाव नहीं हुआ था, ये तो चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री के कामकाज पर, गृहमंत्री के कामकाज पर, गृहमंत्री के बड़बोलेपन के उबार में भैया लोड कर लीजिए 80 की 80 सीटें जीत कर लाएंगे। तो उनके पास कोई सूचना जरूर रही होगी, मैकेनिज्म रहा होगा, तो जिम्मेदारी अगर तय होनी होगी तो फिर बड़ा बवाल मचेगा। मतलब योगी को आप इतनी आसानी से खारिज कर देंगे उत्तर प्रदेश में, मुझे आज की तारीख में अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। योगी को खारिज करेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, उत्तर प्रदेश का विपक्ष करेगा, वो ये हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर इस तरह की कोई बात हुई तो बवाल बहुत भारी मचेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो मेरा मानना यही है कि देखिए, सरकार का औरा कमजोर पड़ेगा, प्रधानमंत्री की हैसियत कमजोर पड़ेगी, कमजोर हो चुकी है। संसद के अंदर जिस ढंग का उनका भाषण था लोकसभा में या
राज्यसभा में बहुत ही उबाऊ थकाऊ और मतलब अनाप शनाप जिस ढंग से उन्होंने बातें करी तो लोगों में लग गया कि अब इस आदमी के पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ कहने को नहीं है, कुछ बताने को नहीं है। भविष्य की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति को भविष्य में किस तरफ ले जाएंगे, इस तरह की कोई सोच नहीं है, कोई दिशा नहीं है। और काशी को तो क्योटो बना रहे थे, आपने कहा ना कि भाई नंगे पांव घूमना चाहिए, एक बार उनको अयोध्या में भी जाना चाहिए। अयोध्या में जिस ढंग से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई एक अधूरे मंदिर में, और जिस ढंग से वहां अयोध्या वासियों को लूटा गया, उनकी जमीनें ली गई, एक्वायर कर ली गई, अधिग्रहित कर ली गई, पैसे नहीं दिए गए, और यह सारा काम गुजरात के लोगों ने किया। रामपथ का निर्माण गुजरात के ठेकेदारों ने किया, इस पर जवाबदेही तो बनेगी। अब ये सवाल कल को, आज नहीं तो चलो इस बार तो सेशन छोटा सा था, ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन बजट सत्र में तो इस पर चर्चा होगी। और फिर आप कटघरे में खड़े नजर आएंगे, मणिपुर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप क्यों नहीं जा पाए। हाथरस के बारे में एक बार आपको बताना पड़ेगा कि जिस समय हाथरस में लोग दम तोड़ रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे, जान बचाने की कर रहे थे, और आपके अस्पताल में वहां एक डॉक्टर था सिर्फ, कोई व्यवस्था नहीं थी, पुलिस प्रशासन ने उसको मैनेज नहीं किया, आज तक वो बाबा भागा हुआ फिरा हुआ है, कहां है पता नहीं है। और आप अपने घर में बैठ करके क्रिकेटरों का स्वागत कर रहे थे, उनको मिठाइयां खिला रहे थे। ठीक है, भारतीय टीम ने बहुत वर्षों के बाद T20 का फाइनल मैच जीता है, विश्व कप जीता है, अच्छी बात है, हम सारे भारतीय उसको लेकर के खुश हैं, लेकिन हम भारतीय हाथरस के पीड़ितों के साथ गमजदा भी हैं, दुखी भी हैं, हमारे आंसू उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री की क्या जरूरत ये नहीं थी, उनकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था। ऐसी तमाम घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पर भी कभी कोई बात ही नहीं आ रही है, और लगातार हो रहा है। साहब बहुत बढ़िया, रेलवे तो इतना अच्छा कर रहा है काम। तो ये सारे एक एक सवाल हैं, इन सारे सवालों पे मुझे लगता है कि संसद के अंदर बहुत ही आक्रामक विपक्ष और बौखलाहट में प्रतिक्रिया करने वाली सरकार दिखाई दे सकती है, उसमें जितनी बौखलाएगी उतना ही फंसते हुए चली जाएगी, तो इनका हाल बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है। और विधानसभा के चुनाव में अगर इंडिया अलायंस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हुआ, मिलजुल करके चुनाव लड़ा, तो मुझे लगता है कि उसके नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए बहुत परेशान करेंगे, और ये परेशानी इस सरकार को लगातार कमजोर करते रहेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि अभी एक दो महीने में, चार महीने में, छह महीने में सरकार गिरे, सरकार को रहना चाहिए, अपने पाप के बोझ से इसको इतनी इस तरह से धराशायी होना चाहिए कि लोग 15 साल तक कभी सोचे भी नहीं कि ये पार्टी दोबारा सत्ता में आने के लायक है, और ये तभी होगा जब थोड़ा और इसका पतन होते जाएगा। जी राजू, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और वक्त दीजिए,